श्री गुरु भ्यो परम आदरणीय डॉक्टर सोनाल मानसिंह जी हमारे निदेशक जिनको मैं बहुत समय से जानता हूँ मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस संस्था की बागडोर ये संभाले हुए हैं बहुत प्रसन्नता है और कुमुद जी ने यह आयोजन किया है आप लोगों के लिए आप में से फर्स्ट ईयर के अधिकांश लोग पधार गए हैं और कुछ आते तो जैसा इंगित किया गया उनको भी बहुत लाभ होता और शायद लाभ सूक्ष्म रूप में अब भी हो जाएगा एक बहुत अच्छा नाट्य शास्त्र के मर्म का आपको परिचय अभी दिया गया मर्म का मतलब होता है जहां स्पर्श करते ही बात पहुंच जाती है अंदर तक वो हमारा मर्म स्थल है मर्म का ये अर्थ होता है तो आपको ये बात पहुंचाई गई मैं जो आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं वो थोड़ी प्रैक्टिकल चीज ज्यादा है वो प्रैक्टिकल इस तरह से है कि आपके मन में ये प्रश्न निरंतर होता होगा कि नाट्य शास्त्र हम क्यों करें आज का हमें नाटक करना है आज की नाटक की दुनिया में हमें रहना है आज की जो यथार्थवादी या, या रियलिस्टिक प्रधान नाट्य की विधा है हमें उसमें ही कुछ कला अर्जित करनी है उसी में जीवन यापन करना है ये सारी चीज़ें आपके मन में हैं आज से नहीं जब से शायद आपने ये चुना कि आप एक्टर बनेंगे डायरेक्टर बनेंगे बनेगी और यह भी एक बहुत बड़ा चुनाव है क्योंकि कला के जीवन का चुनाव करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और सब नहीं कर पाते तो इसलिए आप बधाई के पात्र तो हैं लेकिन जैसा कहा गया ये सब अर्जित करना है तो प्रश्न ये उठता है कि ना नाट्य शास्त्र क्या काम आता है क्या यह बीते युग की चीज है क्या यह कहना कि भाई इसमें जो है वो ही जगत में है कोई ऐसा शिल्प कोई ऐसा शास्त्र कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो इसमें नहीं हो क्या यह सिर्फ महात्म्य है क्या हम सिर्फ गुणगान कर रहे हैं कि ये चार वेदों से बना है और ये पंचम वेद है क्या ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है ये प्रश्न सारे उठते हैं। और आप इसको सीख के क्या करेंगे कैसे अप्लाई करेंगे क्या काम आएगा तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं देखिए ऐसा कोई शास्त्र नहीं है विश्व में जो नाश नाट्यशास्त्र की समग्रता का मुकाबला कर सकते यह समग्रता की बात है कि उसमें हर चीज को रखा गया है मैं आपको बताऊं दुनिया में दो ही शास्त्र हैं थिएटर के एक है नाट्यशास्त्र और दूसरा है अरस्तु का पोएटिक्स पेरीपीतिकी जिसे ग्रीक में कहते हैं यानी बनाने के इर्द गिर्द विद्या बनाने की विद्या ये केवल दो ही हैं आप उस दूसरे को देखेंगे तो वो नाटशास्त्र के एक चैप्टर से भी छोटा है मर्म की बातें उसमें कही गई हैं लेकिन जो बातें हैं वो बहुत संकुचित हैं और एक देश और एक प्रदेश में क्या होता था उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बातें हैं ऐसी जो कि शाश्वत है या कला जगत के लिए सदैव हैं लेकिन अधिकांश नहीं है नाट्यशास्त्र में ऐसी क्या विशिष्टता है या क्या समग्रता है इसका मर्म इसका महात्म्य और ये क्यों बना ये सब आपको परिचय सोनाल जी ने बहुत सुंदर सा रीति से दिया अब सवाल ये है कि वहां जो ये बात उठाई गई कि इसका प्रमाण और अंग कितने हैं तो वही नाटशास्त्र के 36 अध्याय हैं और वो 36 अध्याय ये बताते हैं कि थिएटर में क्या क्या रंग भूमि पर क्या क्या संभावनाएं हैं कहां, कहां वो प्रकट हो, हो सकती है और किस किस रीति से हो सकती इसका मतलब यह है कि नाट्य कितने प्रकार का हो सकता है देखिए जो पहला शब्द है नाट्य तो नाट्य का मतलब यह है कि ये क्रिया किसकी है नट की नट एक शरीर है एक पिंड है और यत पिंडे तद् ब्रह्मांडे जो इस शरीर में है वो ही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वो सब इस शरीर में आ जाएगा तो अब आप बताइए कि थिएटर की या नाट्य की इससे बड़ी व्याख्या क्या हो सकती है कि सारा ब्रह्मांड आप दिखा सकते हैं सिर्फ इस शरीर से दिखा सकते हैं यानी क्या क्या आप नहीं है जो कि आप केवल अपने इन हाथ पैरों से नहीं दिखा सकते तो आप बताइए कि यह कितना बड़ा क्रिएटिव चैलेंज है और इसकी कितनी बड़ी परिधि है आप उसको कैसे कैसे नहीं कर सकते आज जो हम सोचते हैं थिएटर है ये एक बड़ा संकुचित थिएटर है रियलिस्टिक थिएटर ये सिर्फ इसका इतिहास 200 साल का है दुनिया में और इसका इसका जन्म ही 400 साल पहले शेक्सपियर के जमाने में यूरोप में हुआ जहां ये वाचिक प्रधान थिएटर है जैसे अभी जिक्र हो रहा था ना आप बता रही थी बोल रहे हैं बोलने के साथ आपका शरीर थोड़ा बहुत चल रहा है हाथ पैर चल रहे हैं लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं है क्यों क्योंकि जो भाव शब्द में है डायलॉग में है पाठ्य में है वो भाव आपने अंग से थोड़ा बहुत दिखा दिया लेकिन वो खिलकर नहीं आया वो संपूर्ण रूप से नहीं आया क्यों क्योंकि आपने माना और वो सारी थ्योरी मॉडर्न थिएटर की ये है कि भाव तो शब्द में है अंग उसके पीछे लग जाता है लेकिन नाटशास्त्र ये स्पष्ट रूप में कह रहा है कि केवल शब्द नहीं आंगिक वाचिक सात्विक और आहार्य ये चारों ये चारों बोलते हैं ये चारों अर्थ की प्रक्रिया में आते हैं मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय ऑल फोर तो जो अर्थ आपका शब्द कह रहा है वो ही अर्थ आपका अंग कहना चाहिए वही वही शब्द आपका कॉस्ट्यूम कहना चाहिए और वही शब्द आपका जो भाव सात्विक भाव है वो कहना चाहिए और ये सब क्या कह रहे हैं ये भाव को प्रकट कर रहे हैं भाव का अर्थ सिर्फ इमोशन नहीं होता आप खुद सोचिए क्या कभी ऐसा है कि इमोशन बिना थॉट के होती हो भाई मैं उदास हूं तो किसी कारण से वो उदास होगा ना कुछ खो दिया मैंने या मैं डर रहा हूं तो डर का कोई कारण है तो कोई भाव के अंदर विचार भी तो होगा परिस्थिति भी तो होगी लोकेशन भी तो होगी सिचुएशन भी तो होगी मैं इसलिए डर रहा हूं कि मैं पार्क में बैठा हूं प्रेमिका के साथ लेकिन डर है क्योंकि तो ये ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ह्यूमन सिचुएशन की यही भाव है और ये भाव जब तक चारों चीजों में प्रकट नहीं होगा वचन से प्रकट नहीं होगा अंग से नहीं होगा मुख से नहीं होगा आंख से नहीं होगा भौ से नहीं होगा तब तक थिएटर कहां होगा भाई तो ये पूरी ट्रेनिंग ये नाटशास्त्र की ट्रेनिंग नहीं आप बाद में प्रश्न पूछ ले मुझसे हाँ बोलना तो आपको मुझे। आप कर मुझे पता नहीं चलो ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका माना गया था लेकिन अब ये आउटडेटेड हो गया <laughs> देखो एक्टर का मतलब जिसकी प्रेजेंस हो जो आप रटकर आए हैं डायलॉग बोल रहे हैं वो काफी नहीं होता ग्रेट एक्टर स्टेज पर उतरता है अवतरण होता है उसका चाहे कोई भी एक्टर हो पुराने जमाने का ही या खुजुपुटी या सोनाल जी जैसा ही नहीं आपका रियलिस्टिक एक्टर भी जो होगा उसकी प्रेजेंस होगी आते ही उसकी अपियरेंस से वो भाव वो चीज प्रकट हो जाती है। आप कर वो ही रहे हैं रियलिस्टिक थिएटर में भी जो प्राचीन या स्टाइलाइज थिएटर में किया गया है सैकड़ों साल तक हजारों साल तक फर्क क्या है कि हमने वो सोच समझ के किया है एक विज्ञान के रूप में किया है विज्ञान का पहला लक्षण क्या है समथिंग विच कैन बी रिपीटेड आई नो फॉर श्योर कि ये ऐसा होगा मैं ट्रेंड हूं मैं ये करूंगा तो इसका ये इफेक्ट होगा यही तो साइंस है ना समथिंग विच कैन बी आइदर फॉल्सिफाइड और रीअफर्म्ड अगेन एंड अगेन तो ये विचार नाट्यशास्त्र में छत्तीस अध्यायों में है कि एक एक चीज में हमें कहाँ कैसे करना है आज आज दोपहर को आप जब गाएंगी तो इनके साथ कुछ बातचीत हमारी दो तीन दिन से हुई तो इन्होंने कहा कि ठुमरी के गायन में आवाज़ का प्रयोग कैसे होता है जिसको अब काकू कहा जाता है या पुराने जमाने में आवाज लगाना या लगाओ या उतार चढ़ाओ आवाज का अब सत्रहवें अध्याय में इसका पूरा विवेचन है नाट शास्त्र में इसमें बताया गया है काकू का अर्थ होता है स्वर्ग का ऊपर या नीचे जाना देखिए स्वर तरह तरह से ऊपर नीचे जाता है और इतनी विधाओं में जाता है एक वेद पाठ होता है जिसमें तीन स्वर होते हैं उदात तन उदात स्वर पावकान फिर ये तीन है फिर आप डायलॉग बोलते हैं तरह तरह से डायलॉग बोला जाता है और स्वर से ही आप गायन करते हैं यानी उसमें सात स्वर लगते हैं फिर उसमें अलंकार लगते हैं दक्षिण के अलंकार अलग हैं, गमक अलग है उत्तर के अलग हैं। ये सब कैसे होता है कंठ से होता है आवाज के उतार चढ़ाव से होता है लेकिन ये होता किस लिए है भाई भाव को प्रकट करने के लिए भाव अगर प्रकट नहीं हो रहा है इस से, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना तो इसमें आपको आनंद आएगा रस आएगा और ना इसका कोई इफेक्ट होगा आप इसका कुछ मतलब नहीं निकालेंगे अर्थ नहीं निकालेंगे निरर्थक हो जाएगा इसीलिए उन्होंने कहा नहीं रसाद रिते कश्चित अर्थ प्रवर्तते कि जब तक रस नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं होगा अगर मैं कुछ सुनता हूँ देखता हूं तो जब तक उसमें मुझे रस नहीं आएगा तो ये रस कैसे पैदा कर देना है यही तो एक्टर का काम है इसके अतिरिक्त तो कुछ हो नहीं सकता जब तक आप बांध नहीं लेंगे अपने ऑडियंस को और आपका ऑडियंस जब बंधेगा ना कि जब उसे रस मिलेगा तभी वो मीनिंगफुल होगा और तब वो सोचेगा कि मैं क्या देख रहा हूं ये पूरा का पूरा विज्ञान ये पूरी की पूरी साइंस ये नाट्य शास्त्र है तो आप इसको ये मत समझिए कि नाट्य शास्त्र एक स्टाइल है एक ट्रेडिशनल क्लासिकल थिएटर है जो एक वक्त में होता था और आज हमें जो करना है वो हमारे काम नहीं आएगा ऐसा नहीं है क्योंकि ये जितनी चीजें मैंने बताई इसके बिना क्या मॉडर्न एक्टिंग हो सकती है या किसी भी प्रकार की एक्टिंग हो सकती है आप स्टेज कैसे बनाएंगे आप एक्टिंग किस परपस से करेंगे कहानी क्या होगी आपकी यह तो आज भी आपको करना है तो वो ही सारी चीजों का डिस्कशन एक एक चैप्टर में नाटशास्त्र में दिया गया है अब ये उत्पत्ति की बात हुई देखिए नाटशास्त्र से पहले नाट्य वेद आए जैसे बताया अब वेद और शास्त्र में क्या फर्क लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं और ये कह देते हैं अरे भाई ये तो वेद बना दिया ब्राह्मणों को अपना कुछ एलिवेशन करना था ऐसा ऐसा हम बचपन कॉलेज डेज से सुनते आ रहे हैं जब से सेवेंटीज़ में इंडियन एकेडेमिक्स में मार्क्सवाद का बहुत बड़ा एक हमला हुआ तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सारी चीजें जो हैं ये तो एक ऑर्थोडॉक्सी को एलिवेट करने के लिए हैं ये इस तरह का जारगन बन गया तो रियलिटी तो बिल्कुल अलग है रियलिटी तो ये है कि इफेक्ट किसी चीज का जब होगा जब तक जब आपने उसको पूरी तरह से अपने स्किल में ले लिया होगा जब आपकी कॉन्फिडेंस उस लेवल की होगी कि मैं ये प्रयोग करूंगा और इस प्रयोग का ये इफेक्ट होगा और ये इफेक्ट ये प्रयोग आपको पहले कहां करना है आपको खुद में करना है कि मेरा मन मेरा शरीर मेरा भाव ये सारी की सारी चीजें एक हो जाएं। और ये अलग अलग फॉर्म्स में भी मैं कर सकूं अगर मैंने देखिए क्लासिकल थिएटर किया है बॉडी की ट्रेनिंग की है भाव की ट्रेनिंग की है भाव को किस तरह से एक्सप्रेस करना है एक पर्टिकुलर स्टाइल में करना है ये कर लिया है तो फिर वो एडजस्टमेंट रियलिस्टिक थिएटर में भी हो जाएगा वो एडजस्टमेंट किसी जिसको आज आप फोक थिएटर कहते हैं उसमें भी हो जाएगा क्यों क्योंकि थिएटर के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए नाटशास्त्र वो फंडामेंटल्स बताता है वो फंडामेंटल्स फिर प्रैक्टिस में कैसे आते थे उसका भी एक बहुत बड़ा विवरण नाट्यशास्त्र कैसे प्लेज होते थे आज से दो हजार ढाई हजार साल पहले उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है देखिए मैंने आपसे कहा ना कि कितना वास्ट है नाट्यशास्त्र वेस्टर्न थिएटर में प्ले के किसी प्ले के भी तीन फॉर्म्स होते हैं फंडामेंटल ट्रेजिडी कॉमेडी और सैटायर इन्हीं को मिक्स करके बना लेते हैं बड़े से बड़े प्ले को देख लीजिए शेक्सपियर रासीन और आज के आप आ, आ, सेम्यूल बेकेट को देख लीजिए या और लेटर को देख लीजिए वो उसी में से कुछ निकाल देगा इन तीन में से चौथा फॉर्म नहीं है इन्हीं का मिक्सचर है सेटायर ब्लैक सेटायर बबलिंग सेटायर ये वो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह। भारतवर्ष में आज से ढाई हजार साल पहले दस प्रकार के फॉर्म्स थे दस दस रूपक जो आप पढ़ते हैं। अब या तो आप सोच लोगे नहीं भाई वो तो बस प्राचीन भारत को जो एलिवेट करना चाहते हैं वो उसके बारे में कह रहे हैं लेकिन जब आप उन्हें स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि वो दस फॉर्म हमारी सोसाइटी का एक पूरा का पूरा खाका हमारे सामने खींच देते दे थे नाटक है तो वो राजा के लिए होगा उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास है रईस हैं, उनके लिए प्रकरण होगा उनकी जो नालायक औलाद है उसके लिए भी उन्होंने एक फॉर्म दिया है भाण उसके भी बारे में और वो ऐसे लोग तो पहले भी थे कल भी थे और आज भी हैं आप अखबार में पढ़ते तो कुछ गायब नहीं हो गया कुछ आउटडेटेड नहीं हो गया फिर आदमी और राक्षस उन दो के बीच में संबंध होगा तो उसके बारे में एक फॉर्म थी तो आदमी आज भी होता है राक्षस आज भी होता है इस तरह से पांच और थे अब नाक्षास पढ़ने का दश रूपक पढ़ने का ये पर्पज है कि साइकोलॉजिकल वैरायटी कितनी रखी गई देखिए आपको पढ़ाया ही जाता है मुझे भी यही पढ़ाया गया था अभी तक कोर्सेज नहीं बदले कि ब्राह्मणों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था प्राचीन भारत में आपको पता होगा कि एक ड्रामेटिक फॉर्म थी जो यही काम करती थी प्रहसन प्रहसन किसके बारे में होते थे या मत विलास हो चाहे भगवत अज्जुकी हो उन नालायक टीचर्स के बारे में जो पढ़ाते नहीं थे और उन दुष्ट चेलों के बारे में जो पढ़ते नहीं थे प्रहसन होता ही उस पर है आलसी चेहरा सोनाल मानसिंह जी आकर बैठी हैं और वो सो रहा है आया नहीं लेक्चर सुनने उसी के बारे में तो है प्रहसन लेकिन आपने दोनों कही। हाँ दोनों कही ना आप आकर आप आकर बैठी हैं और वो दुष्ट चेला नहीं आया लेकिन एक मिनट एक मिनट हाँ वो तो वो भी तो खड़ा है ना <laughs> मैं आपको ये बता रहा हूँ वो तो एक फॉर्म में ना इतना भाई सब को जानते हैं तो मैं नाम नहीं लूंगा। <laughs> आज हम बहुत दिल से पढ़ के पूरा आज ये वो ही थे। तो नहीं क्या? मिनट मिनट निकालना था, निकाल के थे। थे। उसके, उसके बाद चाय पर हम चर्चा करते थे कि आज का देखिए मैं आपको यही समझा रहा हूं कि अगर आपको इतिहास भी पढ़ना है तो आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ने से पहले नाट्यास पढ़ लीजिए वो जो दस रूपक हैं, उसमें भारत की पूरी कल्चरल लाइफ थी वॉर वॉर का क्या इम्पैक्ट होता था कितनी महिलाएं विधवा हो जाती थी कि कितने बच्चे अनाथ हो जाते थे कितनी भयंकर विभीषिका होती थी तो उसके लिए भी तो उत्सृष्टिकांक नाम का एक रूपक बना था वो थिंकिंग थी वो चीज थी अब उस सबको स्टेज पर कैसे उतारा जाए ये नाटशास्त्र बताता है थ्योरी तो दर्शन तो उसमें है लेकिन उस सब को कैसे मंच पर करना है और मंच पर करने के सिद्धांत क्या है नाटशास्त्र में एक शब्द आएगा बार बार अवतरण यानी जितने भी परफॉर्मर हैं उनका अवतरण होता है स्टेज पर आकर वो बैठते हैं अब अवतरण का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ऊपर से आए क्योंकि अव का मतलब है नीचे तो रंग भूमि के भी आप ऊपर से आए फिजिकली नहीं आए लेकिन मेंटली आप कहीं ऊपर से आए तो आप ऊपर से क्या लेकर आए ऊपर से आप या तो नायक लेकर आए हैं या नायिका लेकर आए हीरो Hero और हीरोइन ठीक है खलनायक भी होगा लेकिन हम केवल खल नहीं कहते हम खल नायक कहते हैं रावण भी जो है वो भी गुण संपन्न है और उसका भी एक भक्ति का द्वेष भक्ति का और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है तो नायक कौन होता है हीरो का मतलब आज के नाटक में हीरो का मतलब है प्रिंसिपल कैरेक्टर लेकिन यहां नायक का वो नहीं है मतलब यहां नायक का मतलब है जो लीड करे वही तो जो कहीं ले जाए आपको आपको दिखाए कुछ और नायक ही कुछ ऐसा प्रकट करता है नायक ही कुछ ऐसा दिखाता है जो आप ने अन्यत्र कहीं नहीं देखा हीरो वो है जो अद्भुत कार्य कर दे अभी जिक्र किया सोनाल जी ने कि चार से चार रस होते तो वीरात अद्भुत उत्पत्ति ही वीर जो है वो ही अद्भुत उत्पन्न कर सकता है तो नायक जो होगा वीर जो होगा वो अद्भुत को प्रकट करेगा अब ये पूरी की पूरी एक भाव के विषय में साइंस है नाट्यशास्त्र में कि आठ जो स्थाई भाव है और उसके अतिरिक्त तैतीस जो हा तो अब ये दोनों कैसे मिक्स होते हैं ये कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं मुझे बताइए क्या आज के थिएटर में आज के कैरेक्टर राइटिंग में ये नहीं होंगे इसके बिना क्या हो सकता है इसके बिना आप लिख सकते हैं कुछ या इसके बिना किसी ने कुछ लिखा हो अगर आप विदेश का भी कोई ग्रेट प्ले राइट ले लें शेक्सपियर ले लें ले, तो उसने भी जो पात्र बनाया है नायक बनाया है उसमें ये चीजें निरंतर बार बार आती हैं उसमें भी स्थाई भाव आता है उसमें भी व्यभिचारी भाव आता है मैकबेथ में स्थाई भाव जो है वो विभत्स का है डरावना है वो और डरावना बनता जाता है और उसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें उसमें है संचारी भाव में तो नाटशास्त्र के अध्ययन से केवल आपको भारतीय नाट्य ही समझने को नहीं मिलेगा आपको दुनिया भर का साहित्य समझने को मिलेगा अब देखिए मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ मैंने अंग्रेजी में एमए किया दिल्ली से किया काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा यहाँ उसके बाद मैं अमेरिका में पढ़ा यूनिवर्सिटीज़ में टोरंटो में पढ़ा और मैंने वहाँ ग्रीक थिएटर भी पढ़ा उसके बाद मैं भारत में लौटा और फिर मैं पढ़ाने भी लगा और ग्रीक थिएटर में वैसे ही पढ़ा रहा था वैसे ही सोच रहा था जैसा कि मुझे पढ़ाया गया और ये मुझे पढ़ाया गया कि ये वेस्टर्न ड्रामा है और इसको आप इस इस तरह से इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें कैरेक्टर होता है जो चार पांच चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं और मैंने प्लेज भी पढ़े सारे पढ़े इसके लस्से लेके लेकिन कुछ समझ नहीं आया ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत विलक्षण चीज थी उसके साथ साथ मैं नाटशास्त्र का अध्ययन मेरा प्रारंभ हुआ अब जैसे जैसे मैं नाटशास्त्र पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे थिएटर समझ में आने लगा और उसके बाद जैसे जैसे मैंने ग्रीक थिएटर पढ़ना शुरू किया तो मुझे पढ़ता लगा कि जो मुझे पढ़ाया गया वो सब गलत था क्योंकि जो यहां लिखा है जो ये नाट्य ये थिएटर है ये जो स्क्रिप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं इस स्क्रिप्ट के लिए जो नाटक होता होगा वो तो कुछ और होता होगा वो नहीं होता होगा जो राडा कर देता है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स कर देता है या हमने जो न्यूयॉर्क में देखा वो नहीं होता होगा अब जब वो अध्ययन शुरू किया तो मेरी आंखें खुल गई उसके लिए मुझे बहुत समय लगा करीब करीब पंद्रह साल लगाए मैंने उसके लिए मैंने ग्रीक भाषा भी सीखी प्राचीन ग्रीक भी सीखी थोड़ी बहुत और फिर वो सारा का सारा उस समय वास्तव में नाटक कैसे होता था वो समझा तब वो स्क्रिप्ट समझ में आया आप पढ़ते हैं आपको पढ़ा, पढ़ाया गया होगा स्कूल में या अभी आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या है डायलॉग होता है छोटा सा और उसके बाद कोरस होता है और आज आप यूरोप में भी चले जाइए कहीं ग्रीस में भी चले जाइए तो आपको कोरस में क्या नजर आएगा पांच लोग खड़े हैं और वो एक स्वर में बोल रहे लेकिन ऐसा तो होता नहीं था वो पांच लोगों के लिए इतना बड़ा एमफी थिएटर थोड़ा ही बनता था तो वो तो प्राचीन काल में 25 या 40 या 45 होते थे कोरस में और वो खड़े होकर संवेद गान नहीं करते थे वो नृत्य करते थे नृत्य करते करते गाते थे और उनके एक प्रकार से गायन होता था तब वो स्ट्रोफी कहलाता था जब दूसरे प्रकार से गायन और मूवमेंट होती थी वो एंटी स्ट्रोफी कहलाती थी ये आपको क्या ये आज की तारीख में विदेश में भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता यह सिखाया नहीं जाता हाँ बड़े बड़े विद्वानों ने वहां लिखा है सब सही है लेकिन वो प्रैक्टिकल थिएटर वो नहीं होता वो इसलिए नहीं होता कि वो आर्ट तो वहां खत्म हो गई अगर किसी शास्त्र की आर्ट बची है तो वो भारत में बची अब ये आंगिक वाचिक सात्विक आहार चारों कैसे होते हैं इसका उदाहरण कहां है दुनिया में और ये भारत में है जब उसको मैंने समझ लिया तब ग्रीक थिएटर भी मेरी समझ में आ गया और मैंने समझ के दूसरों को भी समझा दिया लगभग तीस वर्ष से मैं ग्रीस में भी लेक्चर कर रहा हूं वहां यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा चुका हूं और मेरी पुस्तक वहां भी पढ़ी जाती है तो देखिए नाट्य शास्त्र क्योंकि आपको पूरी विविधता से थिएटर समझा देता है उसके डेप्थ समझा देता है इसलिए वो केवल आपके एक विशिष्ट प्रकार की एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए ही आवश्यक नहीं है वो इसलिए आवश्यक है कि दुनिया भर में थिएटर कैसे हो रहा है ये आप समझ लें दुनिया भर में थिएटर कैसे हो रहा है आप समझ लें काबू की कहां से गया जापान में जो थिएटर नो होता है वो कहां से गया उसकी सारी थ्योरी कहां से गई क्योंकि उसका शास्त्र 600- तो सात साल पहले ही लिखा गया था ना और वो भारत से गया था वो सब नाटशास का ही थिएटर है उसी की थियोरी है और उसी के अवशेष आप देखते हैं तो भारत से पूर्व में आप जाएंगे तो जापान तक आपको यही थिएटर मिलेगा और इसी का सिद्धांत मिलेगा और जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो प्राचीन काल में ग्रीस तक वही प्रकार का थिएटर मिलता था और उससे आगे तो थिएटर था ही नहीं अल्लाह ही अल्लाह था मतलब दे वॉज नो थिएटर बिकॉज देर वॉज नो सिविलाइजेशन एंशंट टाइम्स में तो अब आप समझिए कि आपके पास वो ग्रंथ है जो थिएटर का फंडामेंटल ग्रंथ उसमें जो कुछ है वो वास्तव में कहीं नहीं है और मैं आपको एक बात और बताऊं कि भारतीय जीवन के कुछ जीवन से मतलब है सिविलाइजेशन के जो कुछ मौलिक विचार हैं वो नाट्य शास्त्र में दिखाए गए कि कैसे हमें जीना है देखिए प्राचीन भारतीय नाटक मल्टीलिंगुअल थिएटर होता था जरा आप इसकी यूनिकनेस को समझिए और ये आज भी आपके बहुत काम की बात है। अब सारे भारत में सारे यूरोप में हम कहते हैं अपने प्राचीन नाटक को संस्कृत नाटक अरे भाई संस्कृत नाटक नाम की कोई चीज थी नहीं दुनिया में एक बार पंद्रह बीस साल पहले मैं जे एन यू में लेक्चर कर रहा था तो मैंने कहा कि संस्कृत नाटक तो कभी था ही नहीं तो जो चेयरमैन साहब थे वो मेरी तरफ मुस्कुराए बोले आप प्लीज स्टॉप जोकिंग मैंने कहा हां मैं जोक नहीं कर रहा हूं संस्कृत नाटक था ही नहीं कभी अब वहां लकीली एक दो पंडित बैठे हुए थे जिन्होंने ओरिजिनल में भारत के प्राचीन नाटक पढ़े हैं तो उन्होंने कहा ये सही कह रहे हैं क्योंकि पांच छ परसेंट संस्कृत का प्रयोग होता था केवल राजा कुछ विद्वान आ, वो बोलते थे वरना रानी भी जो है या महिला जो है हीरोइन जो है वो भी प्राकृत बोलती थी तो शकुंतला नहीं बोलते थे दुष्यंत और उसकी सखियां शकुंतला की उसको सौंदला कहती थी हले सौंदले क्योंकि भाषा में बोलते थे इसी तरह से वहां सारी भाषाएं भारत की एक ही नाटक के अंदर चार या पांच भाषाएं होती थी और जितना म्यूजिक होता था वो संस्कृत में बिल्कुल नहीं होता था जितने गीत होते थे वो सब प्राकृत में होते थे और उस जमाने में बिहार के गीत बहुत मीठे समझे जाते थे तो मागधी के अंदर जो गीत थे वो सारे बहुत पॉपुलर थे और ये ऑल इंडिया थिएटर था ऐसा नहीं था कि ये एक जगह था भारत में इसकी जो कंपनीज थी वो जैसे आज आप जाते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कोने कोने में देश के प्रदर्शन करने ऐसे लोग जाते थे और मल्टीलिंगुअल थिएटर को लोग समझते थे एंजॉय करते थे और चाहते थे कि ऐसे हो और केवल भारत में मल्टीलिंगुअल थिएटर इतिहास में रहा है अब यह खुद आपके लिए एक सोचने की बात है कि मल्टीलिंगुअल थिएटर कैसे हो जाता था अब तो दुनिया में है नहीं अब तो इंग्लिश थिएटर है और दुर्भाग्य से हमारे भारत में ही या तो तमिल थिएटर है या बंगला थिएटर है या मराठी है या हिंदी है यहाँ ही मल्टी थिएटर खत्म हो गया सोलवी सतवी शताब्दी तक तो थोड़ा बहुत था जैसे आप कुडियाट्टम वगैरह में देखते हैं संस्कृत संवाद होता है संस्कृत में कुछ बोलते हैं कुछ मलयालम में बोलते हैं कुछ तुलु में बोलते हैं इस तरह से लेकिन यहाँ भी थिएटर खत्म हो गया लैंग्वल थिएटर शुरू हो गया अब मल्टीलिंगुअल थिएटर क्यों था क्योंकि यह माना गया कि जो दुनिया में है जो हमारे सामने लोक में है वो सब रंग पर आ जाना चाहिए और भाषा या शब्द या वाचिक ही एक मीडियम नहीं है भाव को प्रकट करने का आंगिक भी है संगीत भी है तो उस थिएटर में वो समग्रता थी अब आज का जो थिएटर है वो खुद बदल चुका है आज तो वैसे ही मल्टीमीडिया थिएटर होने लगा है अभी आज से 10 और 20 साल बाद क्या होगा वो केवल वाचिक थिएटर नहीं होगा आज थिएटर के अंदर जितने नए टेक्निक्स आ रहे हैं वो किसी ना किसी प्रकार से आंगिक और सात्विक और आहार्य अधिक है वाचिक कम है आज जो मेन मीडियम है परफॉर्मेंस का वो आपकी जेब में है आपका सेलफोन है आप उसमें से चीजें देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक भविष्य की एप्लाइड चीज आने वाली है लेकिन इस सबका आधार है क्या कि केवल शब्द और उस शब्द का प्रिंटेड रूप ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है रियलिटी इज मच बिगर रियलिटी इज मच वाइडर और वो रियलिटी थिएटर से अधिक कोई दूसरी आर्ट फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकती थिएटर की डेफिनेशन क्या है आपको किसी ने समझाई थिएटर की डेफिनेशन आपको स्कूल में बता दी होगी एक साहब कैरेक्टर होता है एक कहानी होती है वो कहानी आगे बढ़ती है फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर उसका रेजोल्यूशन हो जाता है एक उसमें डायलॉग होता है तो ये जब पोएटिक्स से कुछ पांच छह चीजें लेकर मीथोस इथोस वगैरह ये बना दी गई लेकिन थिएटर की फंडामेंटल डेफिनेशन कहां है नाट्यशास्त्र में इंद्र ने क्या मांगा ब्रह्मा से उसने कहा क्रीडनीय इच्छामो इच्छा श्राव्यम च दृश्यम भवेत मुझे एक ऐसी आर्ट फॉर्म दो जिसमें देखना और सुनना इकट्ठा हो अब यह किसी आर्ट फॉर्म में नहीं होता और पेंटिंग देख सकते हैं म्यूजिक सुन सकते हैं स्कल्पचर को देख सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जहां ये दोनों आ जाएं एक साथ युगपत, वो थिएटर है अब जहां दृश्य और श्राव्य एक जगह होगा वो थिएटर होगा चाहे उसकी चैनल्स और उसके मीडियम कितने ही हों और अलग अलग हों और टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया में बदलते रहे अगर दृश्य और श्राव्य इकट्ठे हैं तो वो थिएटर है इसलिए फिल्म भी फंडामेंटली थिएटर है और कल को भी जितनी और नई टेक्नोलॉजी से फॉर्म्स निकलेंगे वो थिएटर होंगी और अगर वो थिएटर होंगी तो वो मानव भाव के प्रकट करने के लिए होंगी देखिए ये बड़ी फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको सिर्फ नाटशास्त्र मिलेंगे में 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 एक और उदाहरण लेता हूं आपने शब्द सुना होगा अभिनय अभिनय का मतलब क्या होता है आप कहेंगे साहब एक्टिंग होता है क्यों फोकट में बार बार पूछ रहे हो नहीं अभिनय का मतलब ये नहीं होता यस्मात प्रयोगम नयते तस्मात अभिनय स्मृता कि प्रयोग जो आपने क्रिएट किया है वो जिस साधन से दूसरों तक ऑडियंस तक जाता है नयते यस ले जाता है जो फॉर्म वो अभिनय है तो कैसे आपको लेके जाना है अपनी बात को यानी जो भी कुछ आप कर रहे हैं आंगिक वाचिक सात्विक आहार्य वो कैसे लेकर जाएंगे अब वो लेकर जाना ही परफॉर्मेंस है वो ही प्रयोग है और वो अभिनय है रियल अभिनय वो ही है। तो ये एक फंडामेंटल थ्योरी भी आपको नाटशास्त्र मिलेगी लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी उसको कैसे करना है उसका एक पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगा आप समझेंगे तो थ्योरी का एप्लीकेशन समझ लेंगे हाँ वो थ्योरी एक पर्टिकुलर स्टाइल में एक समय में होती थी और उसकी परंपरा आज भी बनी हुई है भारत में लेकिन वो आगे भी कैसे होगी कैसे बदलती रहेगी कैसे नई बनती रहेगी ये आप समझ जाएंगे तो आप रियलिस्टिक थिएटर कर सकेंगे आप कन्वेंशनल थिएटर कर सकेंगे आप फोक थिएटर कर सकेंगे आप यूरोपियन थिएटर कर सकेंगे उसको समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करने के बाद आप में वो मास्टरी आ जाती सिद्ध ये नाट्यशास्त्र का असली मतलब है और वो तो बात है ये कि अगर आप विद फेथ उसके ओर जाएंगे तब मिलेगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम अगर आप कहेंगे नहीं इसमें कुछ है ही नहीं तो वो नहीं मिलेगा यू हैव टू ट्रस्ट तो इतना ही मुझे कहना है और बाकी फिर आपके साथ जब अलग बातचीत होगी क्लासरूम में होगी तो आप अपने सवाल पूछिए अपने एक नहीं अनेक सवाल पूछ लीजिए और आपको उस सब के जवाब मिलेंगे आखिर मैं भी भरत हूँ <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आपने